السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
हर किस्म की हम्द सना, हर किस्म की तारीफात अल्लाह आहकम और हाकिमीन की ज़ाते अक़दस के लिए, मेरे अल्लाह अरहम और राहमीन की बेशुमार रहमतें, बरकतें, दुरूद और सलाम मेरे और आपके पीर और मुर्शिद मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर हूँ। काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बरकतों और बख्शों वाला महीना मेहमान बन के आया था और मेहमान चला ही जाता है, जा रहा है, तो अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जब ये तेरा महीना वापस जाए तो हम उन खुश नसीबों में शामिल हो चुके हों जिनके गुनाह तूने अपनी रहमत से माफ़ कर दी। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी पाने वाले खुश नसीबों में शामिल फरमा ले, अल्लाह तेरी जन्नत और फिरदौस पाने वाले खुश नसीबों में शामिल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन हमारे वालदैन की भी बख्शिश फरमा दे, हमारे अस्ताद एहतराम की भी बख्शिश फरमा दे, हमारे अजीज़ो कारब की भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह जितने मुसलमान तेरे पास आ चुके हैं अपनी रहमत से उनको मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह अगर नेक थे तो उनके दराजात बुलंद फरमा। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, परेशानियां दुनिया की भी हैं और आखिरत का दिन भी एक बहुत सख्त दिन आने वाला है। सख्त दिन ऐसा कि जिस दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह, आज दुनिया में बड़े बड़े खुश होकर बताते माशाल्लाह की आठ पर आज की, मतलब किसी एक भाई को अगर बड़ा थी तकलीफ को बंदा दे तो फिर जाए कहां, मक्खियों की तरह आठ के मर जाते हैं। लेकिन वो दिन ऐसा खौफनाक कि ये भाई भी भाई से भाग जाएगा, करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। वह उम्मे ही वो आदमी, वो अम्मा जो शहरी के टाइम पराठे पका के उठाती है, पुत्र उठ जाए उठते उठ जाए, और वो बालक जो सख्त तरीन गर्मी का रोजा रखते भी बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए सड़क के किनारे खड़ा, मेरे बच्चे ना शाम को भूखे रह जाए, उस रोज ना ही अम्मा का करीब आती है ना आपका करीब आता है, सब भाग जाएंगे। तो वो बेगम साहबा जो ईद पर भी कहती है कि नवा सूट ना आया तो ईद कोई नहीं होनी, बच्चों ने भावे बनाओ तो भावे ना बनाओ मेरा सूट तो नवा आना चाहिए। तो अल्लाह कहते हैं उस दिन ये लाडली बीवी भी भाग जाएगी, तो फिर बाकी रह कौन गया। इतना खौफनाक दिन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो दिन की हौल नातियां देख के अगर कोई हामला औरत हो, हामला जानवर हो, तो उनके भी हमल गिर जाए, और वो दिन कि जब बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे उनके बाल सफेद हो जाएंगे, इतना खौफनाक। अल्लाह उस दिन की खौफनाकियों से अमन अता फरमा दे, अल्लाह उससे महफूज फरमा ले। और जो दुनिया की हालत है वो आपके सामने, कोई एक बंदा जो परेशान ना हो, अल्लाह की रहमत से ऐसे होंगे, अल्लाह जिन पर अपना खास फजल कर दे वो मुतमिन हैं, सुकून में हैं, लेकिन परेशानी फिर भी है, बिजनेस नहीं चल रहा, बीमारी है तो वो डरते अब डॉक्टर से टेस्ट भी नहीं कराते जिसे कोरोना ही ना काट दे, और उन्होंने तो सवाए कोरोना के अब और बीमारी है अभी कोई नहीं, बीमार है तो वो भी परेशान, मजदूर है तो वो भी परेशान, ताजर है तो वो भी परेशान, और घरों में माओ को पूछ के देखती हूँ आगे तौबा तौबा हो गई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इन बच्चों ने नाक में दम किया। कोई एक नुस्खा अल्लाह के कुरान से पूछ लें कि अल्लाह आखिरी जुमा है तो नुस्खा बता दे, दुनिया में भी सुकून मिल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, तंग हाली खुशहाली में बदल जाए, बीमारी दूर हो जाए और सेहत मिल जाए, परेशानियां दूर हो जाए और बंदा खुशहाल हो जाए, अल्लाह को नुस्खा ऐसा दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी कि जब सारे परेशान हों तो अल्लाह को नुस्खा ऐसा बता दे कि वहां परेशानी ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते बंदे अगर दुनिया में खुशहाली चाहिए, बीमारियों से सेहत चाहिए,
औलाद नहीं है तो नेक साले बेटे और बेटियां चाहिए। अगर कारोबार नहीं चल रहा, बंद हो रहा है तो उसको खोलना है तो भी आ जा, अगर रिजर्व की कमी है तो भी आ जा, अगर क्या साली का डर है बारिश नहीं हो रही तो भी आ जा, क्या नुक्का है। फरमाया वसारिउ इला मौसिरति मिर रब्बिकुम, मेरे बंदियो अपने रब से गुनाहों की बख्शिश लेने में तेजी दिखाओ, तेजी। और हदी चौर न आदेने हमें वो सब किया ही थी, अल्लाह किस बात की माफी मांगे, हमने किए क्या है। ये चौर जो है ये भी एक दिन निकल जाना है, ये उस मालक की खास मेहरबानी फजल। लव युआखिदुल्लाह, लव युआखिदुहुमुल्लाह, अगर अल्लाह अभी पकड़ना शुरू कर दे लाअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो फिर बचेगा कौन, ना कोई पगड़ी ना कोई दस्तार ना कोई काटन ना कोई लट्ठा, सब नंगे हो जाएं। अगर अल्लाह करतूते यही जाहिर कर दे और पकड़ ले तो बचे कुछ ना, ये उसकी मेहरबानी के सब पर पर्दा डाला है और सब बड़े मुअज्जज़ हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुअज्जज़ बने हुए हैं। तो ये कहना कि अल्लाह हमने किया ही क्या है, अल्लाह कहता जल्दी कर लो गुनाहों की माफी ले लो, और हम कहते हैं हम किया ही थी, हमने किया ही क्या है, क्या किया है। अल्लाह ने दो बिठाए हुए हैं, एक इधर एक इधर, इधर वाला क्या कर रहा है, फमैया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रे के बराबर जो आंख से नजर नहीं आता, देखना हो तो धूप वाली लाइट में करके वो जर्रा नजर आता है, ये वो भी लिख रहा है। और इधर वाला वो मैया मल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रे बराबर भी बुराई की, ये वो भी लिख रहा है। बुराई क्या है, कहता जी चौधरी साहब जो कोलो लंघ दे दो चार सुना के जाते, और इसको चौधरी साहब ने सारी जिंदगी गुनाह नहीं समझा। कि मैं बेटे से भी बात करता हूं तो पहले बड़ी सारी एक गाल का तेरी फलाने, भाई से बात करूं तो भी एक गल पहले एक बात समझ रहा, एक गाल कटी थी सवेरे कारोबारी में बैठे अंदर आप मिले तो उनसे भी गाल ही चिनका, कहना बंदा वैसे कौड़ा है वे लेकिन है खरा नर बंदा है, लेकिन तेरा जुबान का कौड़ा है, और ये त्रिपल जो है तू इसको गुनाह नहीं समझता, अपने मुसलमान भाई के हक खा गया तू उसको गुनाह नहीं समझता। इस तारीख के टाइम कट्ठे बैठे बैठे बिरयानी वाली प्लेट से बोटी तू पहले उठा ले वो देखता रह जाए और सारी खा जाए, ये तू गुनाह नहीं समझता, भाई का हक खा गया तू। इस तारीख के टाइम ही बैठे हैं कट्ठे बैठे हैं मोहब्बत से, लेकिन अगर बिरयानी की दो बोटियां दो में तू खा गया साधन में से अच्छा अच्छा हाथ सारा तूट निकल गया, और वो बेचारा शर्म के मारे कहता भी नहीं और तू इसको बुराई समझता भी नहीं। कहते जी भैन शर्म के मारे आप ही कह देनी है ना सा तो अपना हिस्सा छड़िया जी छड़िया, लेकिन भाई समझता है कि मेरी बहन जकात की हकदार हो गई है, लेकिन फिर भी हिस्सा नहीं देता और समझता है कि ये गुनाह है भी नहीं। अल्लाहुल मुस्तान, और फिर भी हम समझते हैं कि ऐसा किया ही किए, झूठ रोजा रख के भी हमने बोलना नहीं छोड़ा, हराम हमने फिर भी नहीं छोड़े, हेरा फेरी हमने फिर भी नहीं छोड़ी, और फिर भी कहने पिता की अल्लाह किस बात की माफी मांगे, कोई गुनाह तो बता। और मेरे और आपके पीर मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से पूछा, मेरे साहबा तदरून मनिल मुखलिस, मेरे साहबा तुम्हें पता है कि गरीब आदमी कौन है, कंगाल मुफलिस जिसके पास कुछ भी ना हो कौन है। सावन का मल्ला दिरहमरहु वला दिनार, अल्लाह के रसूल गरीब हम तो उसे ही समझते हैं जिसकी जेब में पैसे ना हो, ना दिरहम ना दिनार ना पौंड ना रियाल, कुछ भी ना हो वो गरीब आदमी है। आपने फरमाया ना, अल मुफलिस मिन उम्मती, मेरे उम्मतियों का मुफलिस वो होगा कि क्यामत वाले दिन आएगा बेसलातिन वसियामिन वसदका, पहाड़ों जैसी नेकियां कि सारी उम्र नमाजें भी पढ़ी तहज्जुद भी पढ़ी नफल भी पढ़े फर्ज भी पढ़े रोजे नफली भी रखे फर्जी भी रखे सबका खराब भी बहुत किया, और खुश हो रहा है कि मेरी तो जन्नत पक्की, मेरे नाल पहाड़ा जिंदियां नेकियां चल के आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे जरा इसको सामने करो, तराजू के सामने करके तोड़ लो। फरिश्ते आकर इजाजत मांगे कि अल्लाह नेकियां तो पहाड़ों जैसी हैं,
लेकिन एक लाइन बाहर लगी हुई है जो कहते हैं कि ये जालम था, जुल्म करके आया है, मजलूमों की लाइन लगी हुई है। हाँ भाई तेरे पर क्या जुल्म किया? कहने जी 25 साल बिजनेस किया, इधर उदाहरण नहीं है, 10 को 12 दे कट रही होना है। बिजनेस में ना पार्टनर था, इसका रोग था, दबदबा था, और हर बात पर 2 गाला पहला काटता थी, 2 बाद भी काट के गाल मुकम्मल करता। हाँ भाई गालियां निकालता रहा है इसको, मैनू तो याद ही नहीं। रजिस्टर खोलो, रजिस्टर खोला और सामने देखो या कूलू न या वैया तला, रजिस्टर देख गंज हाय हो मर गए, हाय तो माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सहा। अल्लाह लुटेगा अभी से तेरे फंक्शन तो निकिया निकिया तो लग रही आने कोई शायद नहीं छड़ी भैया कल तो महसूस ही नहीं था अभी कर दे आप कुछ गप जप लग गए सौ गल हो जाए बंदा कर ही लेंदा। फिर इसको मैं सब लिख दी, छोटी छोटी भी लिख दी। हाँ जी छोटी छोटी भी लिख दी, आप करो मुख मुका भाई माफ कर दे। आंदा नहीं उत्थे भी तू माफ मंगी नहीं, कहीं हूँ कितों माफी भाई माफ कर दे यार, इन्ने साल कठे लै आना ना। अब नेकियां दो हो मुख मुका कर लै। कहिंदा किनियां गाला होईयां? आंदा यार तू लमसम 500 ला लै, लमसम ते आती रहन। आंदा 5 साल पता नहीं तू किनियां मुक कर छड़ियां, ते लमसम 500 ला लै। ओ आंदा खुदा दा सौख कर, 500 ते तू सारियां लै जांगा। चल फिर 50 दी डिस्काउंट दित्ती, 450 ते फिर होनियां ही ने। अब इसको नेकियां दे के जान छुटनी, दूसरे तू भी आ जा। अल्लाह जाते जाते ये ताकतवर था, बॉडी बिल्डर था, जान थी, ऐसे ही कांड में बैठा की हो यही हो, वैसे ही मजाक किया है। ताकत हो तो अपने से कमजोर से मजाक भी थप्पड़ मार के ही होता है, कसून मार को भी जान नहीं कमजोर, तू तो उसमें ही मर रहा, एक भी नहीं सींदा। तो आज वहां पर काबू आ जाएगा। अल्लाह इसने ये ताकतवर था, ताकत तूने दी थी, ये जुल्म करता रहा, इसने मुझे मारा था, लेके दे नेकियां, उसको भी नेकियां दो। अल्लाह इसने मेरी बेटी पर झूठी तोहमत लगाई थी और मैं सारी जिंदगी उस इल्जाम के साथ मरता ही रहा हूं, रात भी और दिन भी। अल्लाह पूरे इलाके में मेरी इज्जत इसने रोक दी थी, मेरा जीना हराम कर दिया था। अल्लाह ये मुजरिम है मेरा, दुनिया में तो कोई दौलत है ही नहीं, नहीं मिला इंसाफ। अल्लाह यहाँ तो इंसाफ है ना, लेके दे मेरा। अब इसको भी दो, उसको भी दिया। सारे मुजरमों को, मुजरमों को दे रहा है, मुजरम साहब दे रहे नेकियां मजलूमों को। नेकियां देते देते फरिश्तों ने आकर कहा अल्लाह नेकियां खत्म, वो जो पहाड़ों कमा के ला दो वो खत्म। लेकिन अभी लाइन लगी हुई है। कहिंदा मैं तो इन्होंने सियांदा भी नहीं, कौन कौन ने कितने गाल कढ़ी किदों कढ़ी पता ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल फरमाएंगे आप उन मजलूमों के गुनाह दो और इसके पलड़े में डाल दो और उनको खाली करो, फारग करो, उनको जाने दो। वो गए जन्नत में, ये रह गया कायला। नेकियां खत्म हो गई हैं, अपने गुनाह भी और उनके गुनाह भी डेरों के साथ से पकड़े हुए हैं। अल्लाह कहेगा उनके मुंह करके जहन्नम में फेंक दो। फरमाया ये है मेरे उम्मतियों में से सबसे गरीब, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वसारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम, मेरे बंदो बख्शिश देने में जल्दी कर लो, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है। और अभी टाइम हुआ ही केड़ा है, तो मैं कहता हूँ टाइम रह ही केड़ा गया है। कहता टाइम हुएगा ही केड़ा, अभी अभी तो जवान होना है, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर जाकर के टाइम होना है ना। जब टाइम आ गया तो अल्लाह कहते हैं लोगों नहीं जो अखिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह एक लम्हा भी फिर नहीं देता, फिर ये नहीं देखा जाता कि ये तो अकलौता बेटा था, माँ का क्या होगा, अब्बे का क्या होगा, चाचों का क्या होगा, मामू का क्या बनना। अगर एक ही है तो जब उसका वक्त पूरा हो गया कहते ना हत्था जी सा दे गए, हत्था जी दम दे गए, फिर कोई रोकने वाला नहीं। कोई बेटा, 8 बेटे, 10 बेटे, 2 बेटियां सारे मिलके भी जाने वाले अब्बा जी को एक लम्हा भी रोक सकते नहीं। बेटे बैठे माँ के पांव दबा रहे हों, हाथ दबा रहे हों, डॉक्टर साहब ने सारे सहूलतें मुयस्सर हैं, चेक कर रहा हो, लेकिन जब अम्मा जी का वक्त आ जाए तो कोई बेटा अपनी जान का नजराना पेश करके भी अम्मा को रोक सकता नहीं। तो इसलिए टाइम भी कोई नहीं, और टाइम का अलार्म लगाया हुआ अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें जगाने के लिए अलार्म लगाया, अलार्म लगा के सोते हैं ना, रोटी उसको बंद भी करें दोबारा फिर बोलता है,
कहता पांच मिनट के बाद फिर बोलूंगा, फिर उसको बंद कर दे, कहता तीसरी बार भी बोलूंगा, तू रोकता है। अलार्म बोलता है, कौन सा अलार्म? जब दो बाल दाढ़ी में सफेद हुए तो अलार्म आ गया है, जब आधी सफेद हुई तो हमने कहा नहीं कोई गल नहीं, कलर भी दे गए ने, इसे वास्ते ही पाए ने, कंपनियां आदि लाओ तो महीना लंघ जाता, कोई आदि साल लंघ जाता, साल भी दाढ़ी को छुपा ले, सर के बालों को छुपा ले, किते फिर हो जाने, अलार्म फिर बजता है कि नहीं सोने वक्त हो गया ही। आंदा नहीं नहीं हाली तो मैं कल कलर कराया, शीशे के खलो के भी देखा, टाइम हाली लेट है, लेट नहीं है, हमारी अपनी गलत फहमी। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गुनाहों की बख्शिश जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, टाइम कौन है तुम्हारे पास। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये हुक्म समझने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि जब ये वक्त आ गया तो फिर कोई रोकने वाला और कोई एक लम्हा भी दोबारा देने वाला नहीं मिलेगा। और अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें तो कितनी है, ये जो मस्जिद में बैठे हुए हैं इनमें से मैक्सिमम जिंदगी हम अपनी गुजार चुके हैं, बच्चे तो थोड़े ही हैं ना, बाकी तो वही हैं जिनको हुकूमत ना के मटीते ना आया जे, या जिनको इजाजत है कि तुम आज हो, तुम अभी जवान हो, कितने 40 साल 45 साल 50 साल, बस 40 साल के बाद उम्र समझो मुक गई है। तो जे नहीं यकीन तो फिर पिछले महीने का रिकॉर्ड कढ़ो, किनिया गोलियां खादियां, किन्ने कैप्सूल खादे, डॉक्टर आंदा जे महीना कटना इधर ड्रिप भी लुआ ही लाया, गर्मी बड़ी, तो सब इंजन बह चुके हैं, वक्त आ चुका है और करीब तरीन आ चुका है। इसलिए अल्लाह कहते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, और हम कहते हैं नहीं अभी है टाइम, अभी है टाइम, अल्लाह हमको समझ अता फरमा दे। तो गुनाहों की बख्शिश लेंगे तो अल्लाह मिलेगा क्या? अल्लाह का वादा है कि मैं क्या क्या देता हूँ गुनाहों की बख्शिश लेने से। अल्लाह कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकऊ, ओ मेरे बस्ती वालों, अगर ईमान ले आओ और अल्लाह पे डर जाओ, माफियां मांगनी शुरू कर दो, अपने गुनाहों की माफियां मांगनी शुरू कर दो, लफतहना अलैहिम बरकात मिन अस्समाई वल अर्ज, अल्लाह का वादा है कि मैं आसमान से भी बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, जमीन से भी खोल दूंगा, सब लॉकडाउन खत्म। सिर्फ एक शर्त है कि अल्लाह के पास आ जाओ, माफी मांगनी शुरू कर दो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही मशवरा दिया था, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, ये ना कहो कि मेरे गुनाह हैं कौन से, मैंने किया क्या है, अगर ये अल्लाह ने बता दिया तो फिर मुंह छुपाते फिरोगे, बस ये कहो कि अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि मेरी कौम अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो, वो बहुत बख्शने वाला है, युर्सिल समा अलैकुम इदरारा, आसमान से बारिशें बरसेंगी, फसलें उगेंगी, अनाज उगेगा, फल उगेगा, वयुमदिदकुम बिअमवाल वबनीन, अल्लाह तुम्हारे मालों में भी बरकत डाल देगा और औलाद में भी बरकत डाल देगा। और क्या चाहिए, और किस चीज की जरूरत है, अल्लाह ने रिज़्क दिया वो खाने के लिए, सोनी औलाद मौजूद हो, बरकत औलाद मौजूद हो, फरमा बरदार, और अल्लाह की तरफ से रहमतें बरस रही हूं, तो और चाहिए क्या, मिलता किस लिए, मिलता है सिर्फ अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश लेने के। गुनाह समझ लें कि ये वो पत्थर हैं जो मोटरवे के ऊपर रख दिए गए हो, चलो जनाब मोटरवे बंद है, अगर वो पत्थर पड़े हुए हैं तो साइकिल भी दरमियान से गुजारनी मुश्किल है, और अगर वही पत्थर साइड पर कर दिए जाए तो मोटरवे पर 120 की स्पीड से चलते जाओ। तो इन गुनाहों की माफी, इन गुनाहों की माफी सिर्फ मैं और आपके लिए जरूरी नहीं है, अल्लाह के नबियों ने भी अपने रब से बावजूद इसके कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल अल्लाह की तरफ से पेशगी मसला लेके आता है, फिर भी उम्मत को सिखाने के लिए, अब्बा जी और अम्मा जी जन्नत में क्या था, कुछ चीज की कमी थी, हर चीज फरमाया ए आदम और अब्बा जन्नत में जो चाहो खाओ मौजे को, सिर्फ एक रोका कि इधर नहीं जाना, सिर्फ एक चीज से रोक दिया कि ये दरख्त नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप घर में 10 कमरे हों, बच्चों को कहें बेटा सारे घर से फिरो, लेकिन ये अब्बा जी का बेडरूम है इधर नहीं जाना, ताला लगा दो तो हर बंदा चाबियां लभदा फिरदा है, अंदर पता नहीं की है, इनू खोल के देखना चाहिए, हमारे कमरों में एसी भी है, फलान भी है, अब्बा जी ने पता नहीं अपने कमरे की जो है, हर बंदा ढूंढेगा कहीं अंदर चलिए, तजस्सुस उसी तजस्सुस में अब्बा जी से भी होगी नाफरमानी। तो अल्लाह ने फिर वादा क्या किया कि आप दुनिया में जाओ, अपनी इस गलती की माफी मांगो रो रो के,
और वापस फिर इसी जन्नत में तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। रब्बना वलमना अनफुसना, माना कि अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, अल्लाह अगर तूने रहम ना किया, तेरी रहमतें ना मिली तो अल्लाह फिर हम किधर जाएंगे। तो माफी मांगने से ही वापस उस जन्नत में पहुंच सकते हैं। और क्या चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, भाई भी नबी है, क्या सदराना के दो दो नबी एक ही घर में, लेकिन जब दुआ करने बैठते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बि फिरली वलियाकी वअदखिलना फी रहमतिक। अल्लाह तेरी रहमत की जरूरत है, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन के साथ साथ नफी क्या कर रहा हूं, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मेरे भाई को भी माफ कर दे। तो ये नफी करनी चाहिए एप्लीकेशन, हर दरख्वास्त से पहले अपनी गलतियों अपने गुनाहों की माफी। मिसाल से समझाता हूं, किसी फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा हो और कोई मशीन खास महंगी मशीन हो और वो तोड़ के से चला जाए साहब के पास, मशीन महंगी है, पहले समझाया था कि इख्तियार से चलानी है, साहब से चलानी है, बेअख्तियारी की लापरवाही की और वो खराब हो गई। अब ईद के दिन है, अब ये जो वर्कर साहब हैं अगर साहब के पास जाकर, दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि जाके आके साहब जी टूटने वाली शायद ही टूट भी जबर काम में जो करना जी, मशीन थी नवी थी जपानी थी पर है तो मशीन ही थी ना, टूट गई फिर मैं उनकी तरह तो नाले ओना ईद के रह जाने दिन दो मैं घर जाना बोनस दो फटाफट, तेन की लगेगा लिस्टर साहब ने आखना एक तो 15 लाख की मशीन तोड़ी हूं उत्तों आकर लिया और तीसरा नाल तेन साहब ने बोनस भी दे तरह तरह कर लेने इलाज। और अगर यही शरीफ आदमी जाकर कहे साहब जी ध्यान पूरा रखे पर मम्मी इंसान गलती हो गई माफ कर दियो, साहब का रवैया यकीन होगा चल यार कोई गल नहीं मशीन से टूटने वाली खराब हो गई कोई गल नहीं बनवा लेंगे तो बाद नवी ले लेंगे, साह ला के आंदा फिर साहब जी हूँ मैं घर चलिया, साहब समझ जाता मैं जो आवाज मार दाना यार इन भी दही बोनस जरा भी बन दे दे कोई गल नहीं इतों बाद करेंगे बस साहब करेगा इन्हें कि नहीं तो जरा सीधा ही जाके आके आगे अल्लाह जन्नत दे तो गुनाहों ने ना वेखी किन्ने को मैं कर आया, अल्लाह नमाज मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आंदा जी मौलवी जन्नत गया तो अभी बिना साहब ही डुल जाना, वाह चौधरी तेरे को परमानेंट जन्नत है, एक नमाज भी पढ़ी रमजान में। और बेशर्मी और मिठाई की इतनी हद हो गई है कि सिगरेट कौन सा पूछता है तो जो दिन के टाइम सबके सामने पिए जाएगा, रोजा नहीं रखा चल किसी उधर की वजह से नहीं रखा होगा, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी नहीं रखा कोई बात नहीं, वो सिगरेट पीते हुए सड़क के ऊपर खड़े होकर बुल्ले तीन घर छूटने को जरूरी नहीं। और ये भी कहता है कि नहीं जन्नत मेरी है, हाँ अब्बा जी की जन्नत है तो मेरी है समझो विरासत मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं। तो अल्लाह के नबियों ने भी सिखाया रब्बि फिरली वले अखी वअदखिलना फी रहमतिक وانت ارحم الراحمين, अल्लाह तेरे जैसा रहम करने वाला कोई नहीं, अपनी रहमतों से नवाज दे, लेकिन पहले गुनाहों की माफी मांगी कि अल्लाह गुनाहों की माफी दे दे। अगर बादशाही लेनी हो, अगर हुक्मरानी लेनी हो, अगर कोई मनसब लेना हो, कोई ओहदा लेना हो, तो पहले क्या करें? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बि उफिर ली, अल्लाह माफ कर दे, कौन सा जुर्म किया है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये इबादत है, गुनाहों की माफी मांगना ये भी इबादत है। फरमा रब्बि फिर ली वहब ली मुल्कन ला यंबगी लिअहद मिन बादी, अल्लाह मुझे माफ कर दे और उसके बाद बादशाहत ऐसी दे कि मेरे पास किसी और नबी को भी अता ना हो। तो अल्लाह ने अपने नबी की कबूल कर ली। बादशाहत कैसी है? हम हवाई जहाज पर टिकते खरीदते हैं और सुलेमान अलैहि सलाम पूरा लश्कर पूरी सल्तनत हवा को कहते चल उठा दे जिसे जाना उसे ले जाती हुआ हवाई जहाज चल रहा बगैर टिकट के, जानवरों पर हुकूमत, जिन्नों पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, ऐसी बात चाहिए। लेकिन मिली कब? एप्लीकेशन देते हुए कानून याद रखे रब्बि फिर ली, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह के सारे नबी इसी तरह दरख्वास्त देते गए और आखिर में आ गए इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने कुरान मजीद में बकायदा रिटर्न सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि महबूब अगर कोई गलती कोई कमी कोई कुताही हो भी गई तो वो पेश भी माफ है, घबराना नहीं, सर्टिफिकेट पहले से दिया हुआ कि तेरी हर बात माफ है।
इसके बावजूद हुक्म क्या दिया, वकुर रब्बी उफिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, उम्मत को सिखाने के लिए मेरे महबूब तू भी कहा था रब्बी उफिर, अल्लाह माफ कर दे, वरहम अल्लाह रहम फरमा दे, वअंता खैरुर राहिमीन अल्लाह तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, अल्लाह माफ फरमा दे। तो उम्मत को तरीका सिखाया कि बख्शिश की दुआ और रहमतों की दुआ करने के बाद अगली बात करें जो भी करनी। तो ये गुनाहों की बख्शिश के बगैर जन्नत में कोई पहुंच सकता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्यामत के रोज ये जो जुल्म किए होंगे वो पुल सिरात के ऊपर खड़े होकर साफ किए जाएंगे। जिन्होंने जन्नत में पहुंचना है उनकी भी सफाई होगी पुल सिरात पर। कैसे सफाई होगी? फरमाया अगर सींगों वाली बकरी ने किसी को टक्कर मारी थी और दूसरी बकरी के सींग नहीं थे तो अल्लाह उस दिन उसको सींग देगा और इसके सींग खत्म करके उसको भी बदला दिलवाएंगे कि चल तू भी टक्कर मार के बदला ले ले। जानवरों में भी इंसाफ होगा तो फिर इंसान सारी जिंदगी की कुताहियां, बहन भाइयों पर जुल्म, वालदैन की नाफरमानियां, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करके वहां चला जाए जाके मक्की, तो भी है अगर फरिश्तों ने उसे खाता खोल के बहा दिता, उफ। अगर ये शिकवा होना कि मैंने किया ही क्या है, किस बात की माफी मांगू, तो केले बैठ के ना जब कोई पास ना हो तो कापी पेंसिल पकड़ के सिर्फ सुबह, आज सुबह से लेकर शाम तक कर कार्ड ही देख लें कि किनू किनू में गुस्से हो, किस किस को बुरी नजर से देखा, किस किस को गाली दी, किस किस की तरफ से फला शिकवा, फला गीबत, फला चुगली, फला चूट, शाम तक दर कार्ड ही लिख लवे तो समझ आ जाएगी कि मुझे गुनाहों की माफी लेने की जरूरत है। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गो, इन गुनाहों की बख्शिश के बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज अल्लाह बड़े मजमे में अपने एक बंदे को खड़ा करेगा और जिसको बड़े मजमे में खड़ा किया जाए वो क्या हाल होगा उसका, कांपता हुआ, लड़ता हुआ अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह पर्दे में कर लेंगे, मेरे बंदे को पर्दे में कर, कोई बात पर्दे में करके फरिश्तों को कहा जाएगा अगर इनको पूछो फलां दिन फलां को गाली दी थी, अल्लाह हो गई गलती मानेगा। ये जो हम इधर कह रहे हो केड़ी किथे किलू, ये दुनिया के ड्रामे हैं, वहां पर कोई ड्रामेबाजी, अगर कोई करना भी चाहेगा तो अल्लाह इस जुबान पे ताले लगा के इन हाथों को बुलाएगा, हाँ मैं किनू किनू मारे भी आपको ही दसेगा, इन आंखों ने कौन कौन से इशारे किए और किधर किधर देखा, ये आंखें खुद बोल के बताएंगे, ये पहुंच चल के किस किस जगह गए थे ये खुद बुलाएंगे बताएंगे, जुबान को मौका मिलेगा तो कहेगी अब तो आधा सत्यानाश मेरे खिलाफ गुआइया, तो वो कहेंगे जिस अल्लाह ने सारी जिंदगी तुझे बोलने की ताकत दी हुई थी आज उसने हमें बुला लिया, मर्जी उस मालिक, तो फरिश्तों को हुक्म होगा तो गुनाह दिखाओ, इसके दिखाए जाएंगे, मानता जाएगा, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये मेरी रहमत देख कि सारी जिंदगी तुझ पर पर्दा डाले रखा, किसी को भी पता नहीं चला कि तेरी करतूतें क्या है, तो कहेगा अल्लाह हाँ ये तो वाकई तेरा फजल है, अगर ये इनमें से कोई एक भी पता चल जाती ना लोगों को तो जीना आराम हो जाना, तो अल्लाह कहेगा दुनिया में का सतर तो हालांकि दुनिया दुनिया में पर्दा डाला था वहां उसे अल्लाह का लिया हूं, आज मैं अपनी रहमत से तुम्हें मुआफ करता हूं। तो फिर फरिश्ता लड़ेगा कहेगा निक्के निके भाई जाते जो बड़े नहीं जवाब सर, अल्लाह ने मुआफ करके नेतियों में बदल दिए तो कहेगा बड़े बड़े भी दिखाओ, तो बड़े बड़े भी नेतियों में बदलने के बाद ये जन्नत में जा सकेगा। इसका मतलब है कि गुनाहों की बख्शिश लेना बहुत जरूरी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी मुआफ फरमा दे, मेरे और आपके पीर मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए किस कदर फिक्रमंद रहते हैं, उम्र के वो अपनी उम्मतियों के लिए किस कदर फिक्रमंद और किस बारे में फिक्रमंद कि मेरे उम्मतियों के हर बंदे के पास एक एक नाल का प्लाट होना चाहिए, घर होना चाहिए, हर उम्मती के पास कोठी और कार होनी चाहिए। अल्लाह की कसम मुझे ये डर है ही नहीं कि मेरे उम्मती भूखे मरेंगे, मेरे उम्मतियों को रिजक अल्लाह देगा। फिक्र किस बात की है, फिर फिक्र देख ले उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी और आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती है कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड बहुत ही अच्छा खुशगवार देखे तो मैं सोचा भी आज कुछ मांग ही लेना चाहिए। हाँ जी,
जिन्हें शादी शुदा ने जो घर आते वड़ते जी ना तो फिर अगो की बनता तो पता ही की ख्याल अज ईद नेड़े वे तो जो घर हथ पिया ना उन्हू पै जाने तीन चार सूट होर भी हथदा पर खैर पहला हूँ ठीक है मूल फिर सूट दो जो लिया सन वो तो पतले ही बड़े आ गए हैं और रेशमी आ गए हैं हूँ नवा ना एक लै गया चांद रात वाले दिन तो ये बीबियों की आदत है करती हैं अपने खानदों के साथ लाड तो हमारी वालदा मोहतरमा ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल का मूड फ्रेश है तो कुछ मांग लूँ क्या मांगना चाहिए नया जेवर नए सूट कोई चांदी कोई सोना कोई बवाज कोई ऊंट कुछ क्या मांगना चाहिए अम्मा समझदार थी अम्मा बहुत समझदार थी अम्मा क्या कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपका मूड बड़ा खुशगवार है तो मेरे लिए कोई दुआ ही फरमा दें कोई दुआ फरमा दें और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता है कि मेरी आयशा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए ना ऊंट ना बगाज कुछ भी नहीं चाहिए चाहिए तो क्या चाहिए दुआ की हाथ उठाए अल्लाहुम्मा फिर आयशा मा तकद्दम मिन ज़म्बिहा वमा तअख्खर वमा आलनत वमा असर्रत अल्लाह मेरी आयशा के अगले और पिछले जो छुप कर किए और जो ऐलानिया किए अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा दे लेने वाले को भी पता क्या लेना है और अता करने वाले को भी पता कि क्या देना है अम्मा जी आयशा कहती है मुझे ये दुआ सुन के इतनी खुशी हुई कि मैं हंसते हंसते आपकी गोद में गिर गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा लगता है तुम्हें मेरी दुआ बड़ी पसंद आई है अर्ज की अल्लाह के रसूल बहुत दुआ की है ये कुछ छोड़ी नहीं बाकी फरमा वल्लाह इन्हा लदुआई लिउम्मती फी कुल सलातिन आयशा तुम खुश हो रही हो कि तेरे लिए मैंने ये दुआ की है अल्लाह की कसम मैं अपनी सारी उम्मत के लिए हर नमाज में ये दुआ करता हूँ हर नमाज में हमारे लिए हम जैसे नलायकों के लिए हर नमाज में दुआ कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह माफ फरमा दे और उम्मत ही कहे कि मैं पीते की ऐसा टॉवर ना बनाओ खुदारा ऐसा टॉवर ना बनाओ इमामुल अंबिया को पता है कि मेरे उम्मत के गुनाहगार आएंगे मेरे उम्मती गुनाहगार भी होंगे बड़े बड़े ब्लंडर करके आएंगे इसलिए क्या फरमाया लेकुल नबी दावतुल मुस्तजाबा अल्लाह ने हर नबी को इख्तियार दिया था कि मेरे महबूब एक दुआ ऐसी कि जो मैं पक्की कबूल करूंगा पहले से तुझे ये पेशगी कि दुनिया में मांगना चाहो तो मांग लो बाकी दुआएं अल्लाह की मर्जी है अपने नबी की भी कबूल करे तो करे ना करे तो उसकी शान है लेकिन एक दुआ का इख्तियार दिया कि जरूर कबूल करूंगा मांग लो जो मांगना है हर नबी ने दुनिया ही में पूरी कर ली नूह अलैहि सलाम ने क्या कहा अल्लाह ये फाजर गंदे पलीद नजर अल्लाह 950 साल हो गए हैं अब इनकी औलादें भी जो बच्चे जानती हैं वो भी गंदे पलीद जानती हैं अल्लाह बर्बाद कर दे अल्लाह ने सब तबाह कर दी ये कि नहीं अल्लाह के नबी जब तंग आ जाए अपनी उम्मत से कोई ऐसी दुआएं करके चले गए और लेकिन शान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ शफकत देखें फरमाया इन्नी इख्तबात दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल कियामा लेकिन मैंने अपनी वो दुआ संभाल के रख ली अल्लाह के रसूल किस लिए किस काम आएगी आप ही दुनिया में मांग लेते फरमान नहीं मैंने संभाल लिया क़यामत वाले दिन अपने उम्मतियों की सिफारिश करूंगा किन उम्मतियों की जो ताजिल गुजार हैं जो रोजे रखते हैं जो नमाजें पढ़ते नहीं फरमान असहाब कबायर जो बड़े बड़े गुनाह करके आएंगे तौबा किए बगैर अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे लेकिन होंगे मोमिन ला युश्रिकु बिल्लाह शैया लेकिन मुशरक ना हो मुशरक को यह सिफारिश भी नहीं मिलनी मुशरक के अलावा बड़े बड़े गुनाह हो गए तौबा किए बगैर चला गया तो अल्लाह रसूल फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा गुनाहों की माफी के लिए इतने फिक्रमंद तो उम्मती कहे कि मैं पीते ही किए हमने बहुत कुछ किया हुआ है अगर सोचना शुरू कर दें तो बड़े बड़े ब्लंडर निकलेंगे अल्लाह हम सबको हदायत नसीब फरमाए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे हैं कुरान मजीद में आयत आ गई इब्राहिम अलैहि सलाम का तस्करा आया इब्राहिम अलैहि सलाम कह रहे रब्बे इन्नहुन्न अज़ललन कसीरन मिनन नास अल्लाह ये बुतों ने तो मेरी बड़ी उम्मत गुमराह कर दी अल्लाह रहम फरमा दे अल्लाह माफ फरमा दे आगे आए तो ईसा अलैहि सलाम का तस्करा
ईसा अलैहि सलाम का कह रहे हैं अल्लाह इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह मेरे उम्मतियों को अगर तू जहन्नम में फेंके तो बंदे तो तेरे हैं, तेरी मर्जी फेंक दे। व इन तगफिर लहुम, और अगर अल्लाह तू माफ कर दे, फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू बड़ा हिकमत वाला ग़ालिब, माफ कर भी सकता है। मकसद क्या है कि अल्लाह माफ ही कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते हुए अपने दो भाइयों की ये दुआएं याद की तो आंखों से आंसू आ गए और सास जुबान से निकला अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को भी, अल्लाह मेरी उम्मत को भी, अल्लाह मेरी उम्मत को भी बख्श दे। जिब्रील अलैहि सलाम भागे हुए आए, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों में आंसू आए हैं, और अर्श वाला पूछता है जो मेरे महबूब से पूछ के आओ कि आंसू क्यों आए, रो के बताया कि जिब्राइल मेरे उम्मतियों के गुना, मेरे उम्मतियों की बख्शिश का क्या होगा, मेरे उम्मतियों की माफी का क्या होगा। जिब्राइल ने रिपोर्ट दी, अल्लाह को सब पता है, फरमाया जाओ मेरे महबूब को खुशखबरी दे के आओ। क्या खुशखबरी? या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अर्श वाले की तरफ से यह खुशखबरी है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक वला नसूर, महबूब खुश हो जा, आइंदा आंखों में आंसू ना आए, क्यामत वाले दिन हम तेरा दिल खुश कर देंगे और आंखें ठंडी कर देंगे तेरी उम्मत के गुनाह माफ फरमा के। तो गुनाहों की माफी इतनी जरूरी कि मेरे और आपके पीर मुर्शिद रात की तन्हाइयों में रब के सामने रो रो के हमारे गुनाहों की फिक्र करें और हम बड़े टौर से कह दें कि हमारे गुनाह हैं ही कौन से। यार सऊदी अरब वाले बहुत नेक ने, कवैत वाले बहुत नेक ने, साढ़े भी आजाब आता साढ़ा भी ख्याल है कि अभी बहुत गुनाह पीते ने। तो ये बात करने की बजाय वसारे ओ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा अस्समावातु वल अर्ध उइद्दत लिलमुत्तकीन, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से जन्नत लेने के लिए जल्दी कर लें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए और जन्नत अल-फ़िरदौस हमारा मुकद्दर बनाए। काबिले इहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, आपको पता है मस्जिद के अंदर माशाल्लाह हिफ्ज़ की क्लास भी है और चार उस्ताद हैं इस वक्त, दो कारी साहिबान और दो मुअल्लिमात, इनकी भी आई है। हज़रात ज़रूरी लान सुन लें कि जो मस्जिद के खादिम, मस्जिद के उस्ताद, मस्जिद के कारी हज़रात, ये आपके भाई हैं, ये आपके बेटे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, और ईद इनकी भी आई है। ये नहीं है कि ईद सिर्फ हमारे घरों में आई है, इनके लिए ईद कोई नहीं आई। तो आज अपना तावन इनकी ईद के लिए ज़रा जेबें खोल दें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, 120 रुपए फी का फितराना वो मस्जिद के बैतुल माल में आप जमा करवा सकते हैं। 120 रुपए फी का, घर के जितने अफराद हों उसको 120 से दरब दें और मस्जिद के बैतुल माल में आप जमा करवा सकते हैं। और अपने इन भाइयों की खिदमत के लिए, इनकी ईद को ईद बनाने के लिए अपना अपना तावन बिल्कुल कर दे दें। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गो, अल्लाह की रहमतों वाला महीना रुखसत हो रहा है, दुआ कर लें और दिल की गहराइयों से ज़रा दुआ करने की कोशिश करें। हमारे एक भाई ने आज भी दरख्वास्त की स्पेशल कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे।
उसके लिए भी दुआ करें और जिन्होंने नहीं कहा उसके लिए भी दुआ करें। या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारे इस भाई को नेक साले बेटे और बेटियां अता फरमा दे। अल्लाह जितने हमारे नवाजी और जितने मुसलमान उनके पास ये मेवा नहीं है अल्लाह अपनी रहमतों से उनको माला माल फरमा दे। अल्लाह नेक और साले बेटे और बेटियां अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह छोटे और बड़े ऐलानिया और खुफिया सब गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सब को जहन्नम से आज़ादियाँ अता फरमा दे। अल्लाह जन्नत और फिरदौस हमारा मुकाम बना दे। अल्लाह जन्नत और फिरदौस हमारा घर बना दे। अल्लाह जन्नत और फिरदौस हमारा नसीब बना दे। या रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को भी जन्नत और फिरदौस अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के टुकड़े बना दे। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह जो परेशान उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह कारोबार बंद हैं अपनी रहमत से आज़ादियाँ अता फरमा दे। अल्लाह खुशहाली अता फरमा दे। अल्लाह बरकतें आसमान से भी और ज़मीन से भी अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमा। अल्लाह उनको अक़ल अता फरमा। अल्लाह उनको रहम दिली अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह इस कोरोना जैसी वबा से निजात अता फरमा दे। अल्लाह बंद दरवाजे खोल दे। अल्लाह बंद कारोबार खोल दे। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। अपनी बरकतों से नवाज दे। अल्लाह अपनी बख्शिश से नवाज दे। या अल्लाह इस रमज़ान में की हुई तमाम नेकियां अपनी रहमत से कबूल फरमा ले और जो कमी और कोताही रहेगी अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।